कि मैं अभी अभी बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करके आ रहा हूं, मां विंध्यवासिनी के अर्चना करके आ रहा हूं। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिलकर आया हूं सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ को बारंबार आभार प्रकट करता हूं। देखो, विपक्ष नकारात्मक भाव में ही है, विपक्ष का भाव सकारात्मक है नहीं। इस समय जिनको पुर्जा लिख करके दिए हैं 8,500 रूपये महीना देंगे, सारी बहनें आकर के पैसे मांग रही हैं। झूठ बोलकर इस कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने राज्यों में इस तरह से लोगों को धोखा दिया है। ऐसे ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम तुमको 1,00,000 रूपया सालाना देंगे, 5 साल काम कर गए, नहीं दिए। तो ये लोगों का झूठ अब सबके सामने आ रहा है। अब कल एक बड़ा शुभ दिन है, ये अपनी नकारात्मकता में ही रहेंगे, हम सब सकारात्मक रूप से देश को आगे ले। इसमें भी धक्का मुक्की हो रही है कि राहुल जी बनेंगे कि नहीं कांग्रेस के नेता, तो मैं समझता हूं कि एक प्रश्न उठ गया है इस देश में कि राहुल गांधी जी वो अपने पार्टी में भी नेता बनने लायक हैं कि नहीं, ये चर्चा देश में बहुत गर्व है।